Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is remaining portion of cerebral cortex. So that one lobe, occipital lobe, was remaining. In occipital lobe is basically, this is a also called as visual cortex, because the vision related area is present in that, so also called visual cortex. इसके अंदर जो एरिया प्रेजेंट होते हैं विजुअल कॉर्टेक्स, ये हमारे एक तो फ्रंट है माथा, बिल्कुल बैक सर पे जो एरिया होता है, बैक पे अगर हम सीधे सीधे सुपाइन पोजीशन में लेट जाएं, जो सर सीधा हो नीचे लगेगा, तो वो एरिया दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल लोब. एरियाज जो होते हैं ऑक्सीपिटल लोब में, थ्री फंक्शनल एरियाज होते हैं. वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी विजुअल एरिया, इट्स नंबर इज 17. Another is called as secondary visual area. Its area is area number 18. It is also called visuo-psychic area. Number third one is that occipital eye field area. ठीक. तो ये तीन special areas होते हैं occipital lobe में. इस picture में भी देख लें. Area 17 primary visual cortex, 18 है secondary visual, और इसका आई फील एरिया भी इसके साथ होता है, 19 इस पिक्चर में मेंशन नहीं है. तो ये बैक वाला पोर्शन है हमारे ब्रेन का. ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है लाइज इन दी कैल्कराइन फिशर एरिया, पीछे की तरफ होता है कैल्कराइन फिशर, उस एरिया में होता है. एक्सटेंडेड फॉरवर्ड फ्रॉम द ऑक्सीपिटल पोल ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ईच ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं. मीडियल दोनों तरफ, इस तरफ भी दूसरी तरफ भी होता है. The primary visual cortex is also called visual area 1 or the striate cortex. ये दो दूसरे नाम है इसके, visual area 1, striate cortex, because this area has a grossly striated appearance होती है. ठीक है जी. Primary visual area का काम क्या होता है, सुन. It is concerned with perception of visual sensation. जो चीजें हम आँख से देखते हैं वो जब प्राइमरी विजुअल एरिया में पहुंचती है फिर हम महसूस करते हैं. लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, किसी भी चीज का इमेज पड़ता है, वो हम देखते हैं. अल्टीमेटली तमाम इंफॉर्मेशन इस कॉर्टेक्स पे पहुंचती है और हम उसको परसीव करते हैं, महसूस करते हैं. सेकेंडरी विजुअल एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स, ये क्या होती है, सेकेंडरी विजुअल एरिया also called visual association area lie lateral anterior superior and inferior to primary visual cortex hota hai. theek hai. most of these areas also fold to outwards over the lateral surfaces of the occipital and parietal cortex. ye samajh le secondary visual uske sath hi hota hai, jo hamare diagram mein tay dekh le uske sath wale area ko hum kehte hain area number 18 ki baat ho rahi. anatomical location zyada us pe nahi hai, aap yaad kare na kare. The importance of all these areas is that various aspects of visual image are progressively dissected and analyzed. अब secondary area जो भी हैं वो primary के helper हैं. General rule is that. So secondary visual area is also helper of primary visual area. जो primary visual area चीज देखती है उसको ये क्या करता है, देखें, progressively dissected analyze, उसकी analysis करवाती है, देखती है कि क्या primary area ने देखा, किस किस्म का इमेज देखा, वो इमेज कैसा है, तो वो तमाम इंफॉर्मेशन इसमें आती है. दिस एरिया इज कंसर्न विद इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल सेंसेशन एंड स्टोरेज ऑफ मेमोरीज ऑफ विजुअल सिंबल. और जो चीजें हमने देखी, हो सकता है एक अजीब, सपोज करते हैं हम आपने एक अजीब जू के अंदर गए, एक अजीब गरीब जानवर देखा जो पहले जिंदगी में नहीं देखा, उसके बाद क्या होगा, वो सिंबल यानी वो जो आपने देखा था वो इंफॉर्मेशन आपके सेकेंड प्राइमरी विजुअल एरिया तो देखने का काम करेगा, सेकेंडरी उसको स्टोर करेगा. आइंदा जब आप देखेंगे आपको याद आएगा, हाँ ये जानवर मैंने उस जू में देखा. ठीक. तो मकसद ये स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन उसकी ये सेकेंडरी विजुअल एरिया करता. थर्ड एरिया जो इसमें होता है दैट इज ऑक्सीपिटल आई फील्ड एरिया. इट इज ब्रॉडमैन एरिया नंबर 19. तो 17, 18, 19 याद रखें, इनका काम क्या है, विजन के साथ. ऑक्सीपिटल आई फील्ड एरिया जो होता है कंसर्न विद रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई बाल. इट इज आल्सो कंसर्न विद एसोसिएटेड मूवमेंट ऑफ आई बाल व्हाइल फॉलोइंग ए मूविंग ऑब्जेक्ट. अब क्या है, बाज़ोकात हम चलते हैं गाड़ी में, वैन में, तो रिफ्लेक्सली अचानक से हमारी नजर इधर उधर जाती है. ठीक. कभी कभी देखते हैं
तो रिफ्लेक्स मूवमेंट या यकदम से कोई चीज आए तेजी के साथ तो हमारी आंखें ना चाहते हुए यकदम उस तरफ फिर जाती है, इनको कहते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट आई बाल की। ये ऑक्सीपिटल आई फील्ड एरिया इसको कंट्रोल करता है इस मूवमेंट। क्लियर है? ये गाइटन ने एक लाइन लिखी है, कलर ब्लॉब्स इंडिविजुअल कॉर्टेक्स व्हाट आर दीज इंटरस्पर्स अमंग द प्राइमरी विजुअल कॉलम एज वेल एज द कॉलम ऑफ सम ऑफ सेकेंडरी विजुअल एरिया आर स्पेशल कॉलम्स लाइक एरियाज कॉल्ड कलर ब्लॉब्स दे रिसीव लेटरल सिग्नल्स फ्रॉम एडजेसेंट विजुअल कॉलम एंड आर एक्टिवेटेड सुपरफिशियली बाय कलर सिग्नल और therefore these blobs are presumably the primary area for differing color. Simple nutshell में हम आपको बता दें color blobs ये colorful चीजें नहीं होती cortex में बल्कि इनका काम है कि रंगों को पहचानना समझ लें कि हम believe कर रहे हैं उसके लिए खास areas हैं उनको नाम दे दिया color blobs जो different colors को पहचानते हैं। ये अगेन पूरे विजुअल पूरे हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की इमेज है जिसको हम कर चुके हैं, फ्रंटल को किया हमने, पैराइटल को किया, टेम्पोरल किया और पीछे क्या है ऑक्सीपिटल ये वाला है जिसमें विजन है, विजुअल प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड्स है। क्लियर? ये चीजें हमने। अब क्वेश्चन इज इफ यू रिमूव दैट प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को रिमूव कर दें डैमेज हो जाए तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो काम है इसका वो खत्म हो जाएगा कि काम इसका क्या है देखने वाला, तो हम प्रॉपर चीज को देख नहीं पाएंगे इसकी रिमूवल की वजह से, एक तो काम ही होगा। हाउएवर साइकोलॉजिकल स्टडीज डिमॉन्स्ट्रेट दैट सच ब्लाइंड पीपल कैन स्टिल एट टाइम रिएक्ट सबकॉन्शियसली टू चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। लेकिन अजीब बात है कि बिल्कुल ब्लाइंड है उसके बावजूद भी उनकी अगर आंखों में लाइट थ्रो करेंगे तो थोड़ा बहुत उनकी आंखों में रिएक्शन कभी हो जाएगा, चाहे विजुअल कॉर्टेक्स उनका डैमेज हो और टू मूवमेंट इन विजुअल सीन आर रियली इवन टू सम ग्रॉस पैटर्न ऑफ विजन, कभी कभी उनको कुछ अजीब सा महसूस हो जाएगा। ये क्यों होता है इस पे आते हैं। दीज रिएक्शन इंक्लूड टर्निंग द आईज, टर्निंग द हेड, अवॉइडेंस। दिस vision is believed to be subserved by neuronal pathway that pass from optic tract mainly to the superior colliculi and other portion of older visual system. Simple si baat hai, visual pathway aapne special senses mein kiya hai, usme hamari aksar tamam information jaati hai kiske paas, visual cortex ke paas, primary visual, uske ilawa kuch information jo superior colliculi aur dusri area mein gaya wahan se कुछ चीजें आंख वो महसूस कर सकती है, मूवमेंट वगैरह। ठीक, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स कॉल्ड एज डोमिनेंट हेमिस्फीयर। यानी हमारे दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं, राइट एंड लेफ्ट, उसमें एक जो है डेवलपमेंटली ज्यादा डेवलप होता है दूसरे से, फंक्शन वाइज ज्यादा काम करता है या अक्सर लोगों में वही काम करता है बनिस्बत दूसरे हेमिस्फीयर के कुछ फंक्शनल वाइज, इसलिए हम कहते हैं कि ये डोमिनेंट हेमिस्फीयर। ठीक, द जनरल इंटरप्रिटिव फंक्शन ऑफ वर्निक्स एरिया एंड एंगुलर गायरस एज वेल एज फंक्शन ऑफ स्पीच एंड मोटर कंट्रोल एरियाज आर यूजुअली मच मोर हाईली डेवलप्ड इन वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर देन इन द अदर। जिसमें होगा डेवलप उसको कहेंगे डोमिनेंट हेमिस्फीयर। In about 95% of people, left cerebral hemisphere is dominant one. याद रखिए बात, हमारा left वाला hemisphere dominant है क्योंकि speech के area, ये area, ये उनमें ज़्यादा काम करते हैं। The following theory can explain the capability of one hemisphere to dominate the other. असल में क्या कह रहे हैं, क्यों ऐसे होता है? The attention of the mind seems to be directed to one principal thought at a time, presumably because the left posterior temporal lobe, सुन लें ये बात है, theory है, left posterior temporal lobe at birth is usually slightly larger than the right one. Left side का एक area थोड़ा larger होता है, उसी वजह से dominant हो गया। The left side normally begins to be used to a greater extent than the right, तो वो वाला dominant हो जाता है। ठीक, in about 95% of people, left temporal lobe and angular gyrus become dominant, and in remaining 5% either both side develop simultaneously to have dual function or more rarely the right side alone become highly developed. So
अब अगर इसमें BCQI बात को समझे, इन 95% पॉपुलेशन लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डोमिनेंट, इन ओनली 5% पीपल लेफ्ट सेरिब्रल इज नॉट डोमिनेंट, इन ओनली 5% आइदर राइट इज डोमिनेंट आर बोथ हेमिस्फीयर फंक्शन इक्वली। समझ गए बाप? What is this? What do you think? Imagine this. Think, what is this? It has shown brain. The red show motor cortex. Our blue one show sensory cortex. Now recall your memory. What is function of motor cortex? Motor cortex ka kaam hai body ko move karwana different parts ko. Theek? Sensory cortex ka kya kaam hai? यहां पर इंफॉर्मेशन आती है बॉडी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो अजीब किस्म की डायग्राम है ये, कि जहां बास जिस्म के हिस्से बड़े दिखाए गए हैं, बास छोटे दिखाए गए। ये किस पे डिपेंड करता है? दिस डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ दिस एरिया। उस एरिया का सेंसरी काम जिस एरिया का ज्यादा है उसको उतना बड़ा बना दिया। जैसे सेंसेशन लिप्स और टंग से ज्यादा आती वो एरिया बड़ा बन गया, सेंसेशन फिंगर से ज्यादा आती एरिया बड़ा बन गया इस डायग्राम में, सेंसेशन लेग से ट्रंक से कम आती वो एरिया पतला बन गया। इसी तरह मोटर एक्टिविटी में मूवमेंट के लिए जो सिग्नल जाते हैं वो फेस के पास और हमारे ये हैंड के पास ज्यादा जाते हैं, तो वो एरिया बनिस्बत दूसरों के डोमिनेंट है। तो ये क्या है? ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ आइदर मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड बेसिकली सेंसरी और मोटर होमंक्यूलस। तो अगर कोई पूछे होमंक्यूलस क्या है, आप बताएंगे दिस इज अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी, अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी ओवर द सेंसरी और मोटर एरिया। Over the motor area is called motor homunculus. Over the sensory area is called sensory homunculus. ठीक? Mapping of the different body parts in the brain इसको कह सकते हैं। Map हमने बनाया उसका। A sensory or motor homunculus is a pictorial representation of the anatomical division of parts of human cortex directly responsible for the movement and exchange of sense and motor information within the rest of body. Yani motor wala motor information ke liye, sensory wala sense information perceive kare. For example, taste information from your tongue goes to a very specific part of the brain, clear? To wahan homunculus usko present karega. Ab ye jo hai motor area hai to hamara face isi area face ko control karega. पीछे सेंसरी में अगर देख ले हमारी इस फिंगर की इंफॉर्मेशन इसी जगह पे आएगी, दूसरी कहीं जगह पे नहीं जाएगी, तो ये उसके रिप्रेजेंटेटिव एरिया है, ठीक है। इसके अलावा इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंटली ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी, एरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस। इसकी एग्जाम्पल आपको दूं मैं, आपके साथ स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट अगर पढ़ती थी आपका, क्योंकि कोई बैच फेल हो, वो अभी स्कूल के जमाने को हो सकता है बाज ने स्कूल चेंज की हो, तो ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनसे वो पिछले 10-10 साल में ना मिले हो, कोई दूसरा रापता भी ना हो, सोशल मीडिया आजकल तो है, पहले नहीं होती थी। लेकिन क्या होगा कि इवन किसी से आप 15 साल बाद भी मिलेंगे, अगर वो करीबी रहा होगा, कुछ वास्ता रहा होगा, एकदम से आप उसको सोचेंगे, इसको तो मैंने देखा है इस चेहरे को, थोड़ी देर के बाद पहचान जाएंगे, हाँ ये तो वो शख्स है, नाम भी बता देंगे या उसको बता देंगे कि आप उस जगह पे इस तरह पढ़ते थे ये वो। तो व्हाट इज दैट? इट मीन्स आवर ह्यूमन ब्रेन हैव एन इम्पॉर्टेंट एरिया विच स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस। यानी फेस को रिकॉग्नाइज करने का ब्रेन में खास एरिया होता है, याद रखें। वो क्या होता है? मीडियल अंडर साइड ऑफ द बोथ ऑक्सीपिटल लोब एंड अलोंग द मीडियो वेंट्रल सरफेस ऑफ द टेम्पोरल लोब हैज फंक्शन टू रिकॉग्नाइज फेसेस, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग, अब अगर किसी में एरिया डैमेज हो जाए सपोज कर लें, तो क्या होगा? वो आदमी चेहरे नहीं पहचान सकेगा, करीबियों को भी नहीं पहचान सकेगा ये कौन है। An interesting type of brain abnormality called, उसको क्या कहेंगे? Prosopagnosia, inability to recognize faces. Prosopagnosia, this should be in your mind.
Now also in that chapter some about memory is written, memory की एक दो चीजें लिखी कि memory क्या है. शुरू में भी हमने बताया था आपको कि there is role of synaptic facilitation and synaptic inhibition. Memory is called basically storage of information in brain. Clear? How memory is stored? Memory is stored in the brain by changing the basic sensitivity of synaptic transmission between neurons as a result of previous neuronal activity. The new or facilitated pathway are called memory traces. They are important because once the traces are established, they can be selectively activated by the thinking mind to reproduce the memories. Clear? सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रेन में खास एरिया में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती, फिर जब हम रिकॉल करते हैं उसी एरिया की एक्साइटेशन बढ़ जाती है और हम वही फील करते हैं जो उस वक्त कर रहे थे जब वो स्टोर हो रही होती. ठीक, तो इसको मेमोरी कहते हैं, रिकॉलिंग. अब होल ब्रेन जो ह्यूमन का है उसमें मेमोरी स्टोर करने की एबिलिटी है, फ्रंटल लोब में ज्यादा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में. ठीक, लॉन्ग टर्म मेमोरी रिजल्ट फ्रॉम चेंज सिनेप्टिक कंडक्शन इन द लोअर ब्रेन एरियाज. हाउएवर मोस्ट मेमोरी दैट वी एसोसिएट विद इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन मेमोरी ट्रेसेस इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. अब मैकेनिज्म की बात आएगी कि कैसे स्टोर्ड होती है. देयर बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर इन सिनेप्सिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं सिनेप्स में, कैसे होती हैं. द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर. नंबर वन, an increase in vesicle release site for secretion of transmitter substance, an increase in the number of transmitter vesicles released, an increase in the number of presynaptic terminals, changes in structures of the dendritic spines that permit transmission of stronger signals. So ye hota hai, kya hota hai ki vesicle jo release site hai wo increase ho jata hai yahan pe. ट्रांसमीटर वेसिकल्स का नंबर बढ़ जाता है, प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल उस एरिया में बढ़ जाते हैं, चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर डेंड्राइटिक स्पाइन का ताकि डेंड्राइट ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव करे फ्रॉम एक्सोन वाइज एक्सोन साइट. ठीक, तो ये मेमोरी का जस्ट मैकेनिज्म लिखा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे स्टोर्ड होती है. रिलेटेड विद मेमोरी वी शुड नो एमनेजिया. किसी की याददाश्त खत्म हो जाए, पिछली बातें याद ना आए, पहचानना खत्म कर दे. बड़ी उम्र में लोग होते हैं, बाज लोग नहीं पहचानते, अपने बच्चों को भी पहचानना भूल जाते हैं. क्या होता है कि ब्रेन में इंफॉर्मेशन एरिया वो स्टोरेज खत्म हो गई, तो उसको कहते हैं एमनेजिया, लॉस ऑफ मेमोरी. या आप कह सकते हैं फैक्ट्स इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस जो होते हैं उसको कहते हैं एमनेजिया. दो किस्म की एमनेजिया होती है, रेट्रो और एंटीरो. एंटीरो का मतलब जो करंट बात चल रही है वो उसके ब्रेन में स्टोर नहीं होगी. डिक्रीज एबिलिटी टू रिटेन न्यू इंफॉर्मेशन, सही है, स्टोर न्यू मेमोरी इन द ब्रेन. रेट्रो, रेट्रो का मतलब पास्ट. रेट्रोग्रेड एमनेजिया, लॉस ऑफ मेमोरी और इंफॉर्मेशन दैट वाज लर्नड इन द पास्ट. पुरानी बातें भूल जाएगा. ठीक, सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर.